नशियां ते गैंगस्टरां खिलाफ छेड़ी मुहिम तहत अज पंजाब पुलिस वल्लों उन्हां इलाकियां च तलाशी लई जा रही है जिन्हां इलाकियां विच शरेआम नशा वेचिया जा रहा है। तस्वीरां संगरूर पटियाला ते गुरदासपुर तों सामने आईयां ने जिन्हां च देखिया जा सकदा है कि पुलिस वल्लों शहरां दे इलाकियां च छापेमारी कीती जा रही है अते जिन्हां लोकां ते उन्हां नूं शक हो रहा है उन्हां दे घर अंदर वड़ के तलाशी लई जा रही है। इन्ना ही नहीं पुलिस लगातार एक्शन मोड च नज़र आ रही है अते नशा तस्करां खिलाफ सख्त कार्रवाई भी पुलिस वल्लों कीती जा रही है। नशा तस्करों खिलाफ चलाई गई इस मुहिम से तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हां वल्लों चप्पे चप्पे से छानबीन की जा रही है अते नशा वेचण वालों नूं किसी भी कीमत से बख्शा नहीं जाएगा। अज अप्रोक्सीमेटली अज इत्थे असी रामनगर विच दो एस पीज और चार डी एस पी सत्त एस एच ओज और 160 के करीब जी टोटल फोर्स है जी मेल तो फीमेल चैक कर रही है और अज असी सारे जिहड़े रस्ते ने इन्हां दे उह सारे रस्ते प्रोपर कॉर्डन करके और अंदर सर्च ऑपरेट किया गया। मोर दैन 300 हाउसेज जिहड़े ने इत्थे 300 तो वध घर चैक किए गए हैं। अज दी जिहड़ी सर्च है मेन मोटिव एक तो जिवें सानूं इत्थे कई अनक्लेम्ड वहीकल्स मिले ने, कई इहो जिहे वहीकल मिले ने जिन्हां दे कोलों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए रहे कि किहदा जां किहदे नाम तैयार सी, उह सारे वेरीफाई करांगे। जिहड़े बंदे इत्थे हैगे ने जिहड़े आउटसाइडरस घूम रहे ने जां कोई आउटसाइडर आ रहा उहदी रेलेवेंसी चैक कर रहे, उहदा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चैक कर रहे सारा, और असीं इक मेक श्योर कर रहे हैं इतों के रहने वालों क्योंकि सारा जे कही कि सारी रामनगर बस्ती ही ये काम करती है तो गलत होएगा, कुछ ठीक कर भी ने असं लोगों से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे हैं भी साड़ी नाल सहयोग करो। जे कोई बंदा ए करता है जां कोई ड्रग के लिप्त है तो सानू दसो उसकी हैल्प करके उन्हें डी एडिक्शन सेंटर से भी भेजेंगे। जे कोई बंदा इस काम को कर रहा है जिदे कि समाज गंदला हो रहा है तो वो खिलाफ़ जो कार्रवाई वो भी की जाएगी। सारे च एक अपने नंबरस भी दे के चले इन्हों जो जो कोई बंदा बाद चो भी फोन करके दसना चाहे तो सानू दस सकदा। इतने दिया असं नंबर ऑफ एफ आई आर चैक की जी जी नंबर ऑफ एफ आई आर चैक की साढ़े डाटा चो एक्साइज तो एन डी पी एस दियाँ तो काफ़ी ज़्यादा सगिया और कई बंद जो इतने हैबिचुअल ऑफेंडर्स ने इस करके चैक किया गया। सारी मैसेज यही है कि साढ़े जी मानयोग सी एम साहब की मानयोग डी जी पी साहब का जो मैसेज है क्लीयर है कि नशे के खिलाफ गैंगस्टर के खिलाफ तो जिहड़े अपराध किए जाते हैं जिदा स्ट्रीट क्राइम्स है वो खिलाफ असी कोई टॉलरेट असी बिल्कुल नहीं करांगे, सख्त एक्शन लेवांगे। जिदा आज इस इलाके की सर्च की जा रही है 500 बंदा लेके इन्हें सील करके इसी तरीके भविख के भी सर्चा की जाएगियाँ। जिहड़े माड़े बंदे है नशा वेचण वाले है कोई चोरी चकारी का समान इत्थे रखते हैं वो किसी को भी असी नहीं बख्शांगे। सर हुण दी गल कि सर्च अभियान दौरान कुछ मिले भी है क्योंकि एरिया बहुत बदनाम है, कई परिवार वाले नाल गल हुई है, कुछ चुकिंदे बंदे ने जिहड़ा काम करते हैं पर सारा एरिया बदनाम हो जाता है, की लग्या कुछ इस तरह का? हाँ जी ऑपरेशन के दौरान कुछ रिकवरीज भी हुई ने ते हुण भी जिदा तुसी देख रहे हो साडे पिछे मोटरसाइकिल खड़ा है जिहड़ा कि वेरीफाई नहीं कर सके मालिक तां इह भी असीं थाने लैके चले हाँ। इसी तरीके नाल कुछ एन डी पी एस दे कुछ होर कोई एक फेक करंसी दी भी कोई रिकवरी दस रहे हुई है लेकिन सारी जिहड़ी गल हैगी उह असीं तुहानूं एक बार ऑपरेशन पूरा हो जाए फिर दसांगे। सर लोगों को अपील भी की जा रही है क्योंकि परिवार बहुत जिहड़ा ज़्यादा इस काम दे विच लिप्त होए गए हैं क्योंकि परचे बहुत परिवार के उपर दर्ज ने। साडा तो देखो एक क्लीयर मैसेज है कि असी स्ट्रिक्ट एक्शन लेवांगे ते जिहड़े भी गलत काम करदे उन्हां नूं असी सलाखां दे पिछे भेजांगे। सो बिल्कुल अज सीनियर अफसरां दी दिशा निर्देशां हेठ साडे कोल जिहड़े सस्पीशियस घर सीगे जिन्हां दे उपर सानूं शक आ कि इह नशा वेचदे आ अज आपां भारी फोर्स दे नाल पूरे एरिया नूं कॉर्डन कीता
ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਛਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਬੰਦੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਡਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਂਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਚਲਾਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਆਰਾਮ ਸੇ ਖੇਲੋ, ਗਿਰ ਮਤ ਜਾਨਾ। ਓਕੇ ਮਾਮਾ। ਬੇਟਾ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਖੇਲਨਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਖੇਲੋ। ਜੈਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਦਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ। ਮੇਰਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਹਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਮਿਟਾਏ, ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਕਮਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਇਨ ਦਾਗੋ ਸੇ ਮੁਕਤੀ, ਤੋ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਮੁਕਤੀ।